दोस्तों पिछली बार जब हम आए थे मित्तल उद्योग में तो हमने आपको मशीन के बारे में पूरा डिटेल बताया था कि कौन कौन सी मशीन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, कौन कौन सा मशीन आप ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो जितने भी मशीन हमने बात की थी, एक क्रैंक मॉडल का सिंगल डाई डबल डाई के बारे में बात की थी, हाइड्रोलिक के बारे में बात की थी और ऑल इन वन मशीन के बारे में बात की थी। और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे इन सारे मशीनों के प्रोडक्शन के बारे में, कॉस्ट कितना लगता है प्रोडक्शन का पर केजी का, प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा, मार्केट में आप कैसे निकाल सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज इस बारे में डिटेल से बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के ऑनर हैं मनीष मित्तल जी, इनसे बातचीत करते हैं, पूरा डिटेल लेते हैं। तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। पिछली बार जब हम आपके पास आए थे तो मशीन के बारे में आपने बताया था, लेकिन उसके प्रोडक्शन प्रॉफिट मार्जिन कैसे लोग इसको कर सकते हैं, इस चीज़ आपने नहीं बताया था, तो एक एक करके बताइए। हम शुरू करेंगे क्रैंक मॉडल की सिंगल डाई से। पहले स्टार्टिंग जो बेसिक मशीन है, जो शुरुआत होता है, एक्चुअली सिंगल डाई का क्रैंक मशीन होता है फुली ऑटोमेटिक, ठीक है जी। उसका प्रोडक्शन की बात हम करते हैं, इसका कीमत हम बता देते हैं 46,000। प्रोडक्शन कितना हो गया, प्रोडक्शन अगर हम करते हैं सर जी बात करते हैं तो 1200 से लेकर 1500 तक जाता है। ये पुल्ली पर निर्भर करता है, कोई भी लोग 1000 पीस भी निकाल सकते हैं, पुल्ली अगर बड़ा छोटा करेंगे ना तो जनरली 1200 मान के चलते हैं कि 1200 ही आपका प्रोडक्शन पर आवर 1200 पीस निकाल सकते हैं। थाली अगर हम सर बनाते हैं अगर सर जी है, आपको 1200 पीस एक घंटा में थाली निकालेंगे, थाली बनाते हैं। रेट की आज के डिटेल में हम बात करते हैं तो 68 रुपये मटेरियल है, 68 रुपये मटेरियल है, 105 पीस बनता है, 1 kg में 105 पीस निकलता है। अब हो गया ऐसा चीज़ है, 100 पीस मान के रखते हैं जी, 100 पीस फॉर्म लेके चलते हैं, और फिर 100 पीस में 100 पीस का मार्केट में वैल्यू कितना है, 100 पीस का देखा जाए तो मार्केट में वैल्यू कितना अभी देखना है। हम लोग बेचते हैं, 130 रुपये में लोग बेचते हैं 100 पीस, 130 रुपये में 100 पीस सा चीज़ है। कोई लोग बेच देते हैं 120 रुपये में, एरिया बाई एरिया पे डिपेंड रहता है, एरिया कहीं महंगा तो कहीं सस्ता। जो बल्क में लोग बेचते हैं वो कम में बेच देते हैं लोग सर, जो बल्क में बेचते हैं तो ये डिफरेंट मान लीजिए मोटा मोटी 120 रुपया मान के चलते हैं कि आपका आता है मार्केट का सेलिंग प्राइस 120 रुपया, ठीक 120 रुपया हमारा हो गया। लगत लगा कि ना 68 रुपया मटेरियल का, 68 माइनस 120 कितना हुआ 52, यानी कि 52 रुपया, 52 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ ये हो गया आपका, इसका 50% हम घटा देते हैं, उसमें लेबर भी है, बिजली बिल हो गया, रेंट भी, रेंट जो भी मैंने सब जोड़ लीजिए सारी चीज़ें, कितना काट छिड़ के सारी चीज़ें, तो आपका मोटा मोटी आपको 28 रुपया, 28 रुपये ना छोड़ के हम और भी खर्चा हटाते हैं, चाय पानी ना सर्विसिंग होता है, पन्नी उन्नी मैंने ट्रांसपोर्ट माल को पहुँचाने में लग गया जी, तो कुछ नया नया थोड़ा सा रेट करके भी जाता है, तो 20 रुपये आपको अनुमान आपको प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट हम लेते हैं 20 रुपये आराम से। हाँ अगर कुछ वैसे भी लोग हैं जो बहुत सारे लोग होलसेल करते हैं जिनके टर्नओवर होता है 10-10 लाख का जी, वो लोग जो मार्जिन करते हैं भैया 12-13 रुपये में मार्जिन में बेच देते हैं, लेकिन आपके लेने के लिए स्थिति ऐसी है कि आराम से 20 रुपये कहीं नहीं जाने वाला है, मतलब 1 किलो प्रोडक्शन करेंगे तो कम से कम 20 रुपये का प्रॉफिट। हाँ, होता क्या है कि किसी किसी को 15 रुपये में बेचते हैं, तो 15 रुपये में कौन बेचते हैं प्रॉफिट पर, जो पार्टी आपसे 1 लाख का एक बार माल लेता है, 2 लाख एक बार माल लेता है जी, तो उस पर आपको 15 रुपये किलो पर ही मार्जिन पर आप माल दे सकते हैं जी। और कोई 10,000 के 20,000 का माल लेगा तो उसको 20 रुपये से कम का प्रॉफिट रखना नहीं है जी। अगर हम बल्क में ही मान के चलते हैं, चलिए मेरा बल्क में माल जाता है 15 रुपये किलो पर रखते हैं, 1 लाख का कोई माल ले जाए, है हम बल्क ही रेस लेके चलते हैं तो 15 रुपये किलो पर मेरा माल जाता है जी। बना कितना मेरा 1200 हुआ ना, 12 kg, 12 kg हमारे एक घंटे का प्रोडक्शन है, 12 × आपका 15 रुपया 180 रुपया, 180 रुपये एक घंटे का, 180 रुपया एक घंटे का, ये नेट प्रॉफिट हो गया आपका, नेट प्रॉफिट 180 रुपया एक घंटे का है। आधा घंटा का काम करते हैं सचिन, 1400 रुपया, 1400 रुपये 8 घंटे काम करने का 1400 रुपया है, हम 8 नहीं 6 घंटे ये मान लेते हैं काम करते हैं सर जी, 6 घंटे काम करते हैं, बाकी 4 घंटा मार्केटिंग करते हैं, 1000 रुपये कहीं नहीं जाने वाला है, 1000 रुपया उस हिसाब से बता देते हैं कि जिस तरीका से हम बताएंगे कि कैसे कैसे आप बिजनेस कीजिए जी। आपको अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं मलिक सर, कोई भी अगर कस्टमर हमसे जुड़ते हैं, हम मेरे सलाह के अनुसार हम लोग बिजनेस करते हैं, 1.5 लाख रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं, शुरू से इन्वेस्ट करते हैं सारी चीज़ें, तो मैं इतने दावे के साथ बता सकता हूँ कि 30,000 से लेकर 35,000 रुपये कहीं नहीं जाने वाला है, 30 से 35,000 आराम से घर बैठे कमा आराम से कमाएंगे लोग, आराम से कमाएंगे। अच्छा ये जो क्रैंक वाली उसमें कौन किस टाइप का बनने वाला है, ये क्रैंक वाला में सब सारा आइटम बनेगा, ये हो गया दोना हो गया कटोरा हो गया छोटा बड़ा सब हो गया, ये 4 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच
ये पलेट हो गया, ये सब पलेट, ये सब क्रैंक वाला में बन जाएगा, सब क्रैंक वाला में बनेगा। पतला पतला आइटम में 200 जी सब तक बनेगा सर जी, ठीक है ना। ये भी ये आपको पतला, ये भी है, ये भी बन जाएगा। अब रह गया ऑल इन वन, ऑल इन वन। हाँ, ये जितना सब देख रहे हैं आप, सारी चीज़ है, बफर हो गया, ये सब हो गया आपका। ये देखिए सुपारी के पत्ता का हो गया, ये रिंकल आइटम है, ये रिंकल हो गया, बटर पेपर हो गया, ये भी रिंकल आइटम है, ये सब बनेगा। ये देखिए ये भी रिंकल आइटम है, ये सब बनेगा आपको। ऑल इन वन में हर आइटम बन जाता है उसमें। पेपर प्लेट का मतलब जितना ऐसा कोई आइटम नहीं कि जो नहीं बनेगा आपको। पेपर प्लेट का जितना भी आइटम है सारा कुछ बन जाएगा आपको, ए टू जेड सब बन जाएगा आपको। उसके प्रोडक्शन के बारे में और उसके प्रॉफिट के बारे में बताइए। ऑल इन वन का लगभग वही चीज़ है। अब इसमें ये फायदा है ऑल इन वन बनाने में कि है आपको कि जो पार्टी लोग मांगा बफर मांग लिया तो बफर ही बना दे दिए। अगर इस तरह का आइटम बनाया, मांगा लो इस तरह के आइटम बना दिए, रिंकल आइटम, ये जो क्रैंक में बनता है ये भी बन जाएगा, सब बनेगा इसमें, सब बनेगा। ऑल इन वन नाम से क्लियर है कि ऑल बनेगा, ऑल हर आइटम बनेगा इसमें। तो ऑल इन वन बहुत सुपर मशीन है, इसमें कोई दुराय नहीं है, नए लोगों के लिए बहुत बेटर होता है मशीन। इन्वेस्टमेंट कम से कम कितना है ऑल इन वन का? ऑल इन वन में 90,000 की मशीन, वही पहुँचाना चालू करना और डाई का अलग से, मतलब डाई का अलग से, ये कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल के साथ साथ 1.5 लाख में, 1.5 लाख में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, 1.5 लाख में शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग, उसको मशीन को ऑपरेट करने का ट्रेनिंग, हाँ मशीन को ऑपरेट करने का ट्रेनिंग देंगे आपको। चालू कैसे करना उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, पहुँचाने का ट्रांसपोर्टेशन का कोई चार्ज नहीं लगेगा। वो ट्रांसपोर्टेशन सारे मशीनों पे फ्री है, पूरे इंडिया में फ्री है, सब मशीन पे फ्री, इंडिया में फ्री है सर। ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन भी फ्री है। ट्रेनिंग आप कितने दिन देंगे? ट्रेनिंग आपके यहाँ जाएगा, लड़का संतुष्ट हो जाएगा, लड़का आप चलाएगा। जब तक सीख नहीं लेगा पार्टी तब तक सिखाएगा। होता क्या है ना, अब कहीं कहीं दिक्कत ये होती है कि कहीं बिजली का प्रॉब्लम हो जाता है तो भैया वहाँ पर 2 दिन भी लग सकता है, बाकी आपको 1 दिन काफ़ी है। 1 दिन आपको मशीन चलाने के लिए, सिखाने के लिए काफ़ी है। मशीन में कोई गड़बड़ी इनकेस आ गया तो फिर उसको कैसे डील करते हैं? मशीन में गड़बड़ जिससे होता है तो एक्चुअली होता क्या है कि पहले तो वीडियो कॉलिंग करके बताया जाता है, वीडियो मंगाया जाता है दिक्कत क्या हुआ है, उसके बाद उसको बताया जाता है, उसको कि नहीं बताया वीडियो कॉलिंग किया जाता है। अगर नहीं होने वाला है तब मेरा लड़का जाएगा सर आपके यहाँ, आने का जाने का उसको खर्चा देना होगा, आने का और जाने का सिर्फ खर्चा लगेगा, बाकी कोई और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्चा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लोकल कहे तो और बेटर है सर चीज़। तो आपने ये जो बफर प्लेट के बारे में बताया इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन रहता होगा? बफर में देखिए अभी मेटेरियल उधर 4.5 रुपया में, अगर बफर कहीं बात करते हैं सर चीज़, तब बफर पर ही बहुत अच्छा कमाई होता है। 4.5 रुपया के 3 रुपया 10 पैसे में बिक जाता है, 4.5 रुपया में 2 पीस बनेगा, 13x26 का है, यानी कि 2 रुपया 25 पैसा, 25 पैसा आपका खर्चा लगता है बनाना, रूम पन्नी उन्नी सब्जी लेके 2.5 रुपया में आपका बन के तैयार हो जाता है, होता है आपका बिकता है 3 रुपये 10 पैसा, 3 रुपये ही मान के चलते हैं, 2 रुपये 90 ही पैसा मान के चलते हैं, बल्क में अगर बेचते हैं तो 2 रुपये 90 पैसा में जाता है, 40 से 50 पैसे का, 30 पैसा का मान के चलते हैं, 30 पैसा आपको एक प्लेट का, हाँ 30 पैसा नहीं चलते हैं, 600 बनता है घंटा में, घंटा में 600 इंटू करते हैं सर जी माइनस 180 रुपये इसमें भी जाता है, 180 रुपये इसमें भी जाता है। अगर 10 घंटा अगर काम कर लेते हैं इस पर 1800 रुपये कमाई हो गया, 1800 रुपये इसमें भी कमाई होगी। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब इसकी डिमांड एक्चुअली हुआ कैसे ना, अब जो है कोरोना के बाद से सब कोई खाइए फेंकिए हाथ पे खाने वाला है, अब कोई लेबर नहीं मिलता है धोने वाला बर्तन कोई जी, और गंदा रह गया तो कोई उसके बाद लोग गाली देता है सब जी बिल्कुल। तो इससे अच्छा कैटरिंग में जितना भी लोग उपाय निकाल देंगे, भैया हमको खाइए फेंकिए सिस्टम लगा दिया सर्विस बढ़िया। अभी कुछ दिन पहले तक चलता था वो थर्मोकोल वाला, हाँ वो बंद क्यों हो गया पहले ये बताइए। थर्मोकोल का बंद होने का रीज़न क्या हुआ सर कि सबसे बड़ी बात है ना कि उसमें खाना खाने के बाद कैंसर की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हो गया था। एक तो गर्म खाना खाने के बाद वो एक्चुअली पेट्रोलियम कचरा से बनता है जी, पेट्रोलियम कचरा से बनता था, उसमें क्या है गर्म खाना खाने में कैंसर का बहुत ज़्यादा इसमें केस आने लगा इसके कारण। और सबसे बड़ा दिक्कत है गलता नहीं था, अब नगर निगम हो गया कहीं भी नाला हो गया कचरा का देखते होंगे जितना जाम लगा देते हैं, जाम लग जाता था, प्रदूषण फैलता, प्रदूषण बिना जले भी इसका कुछ उपाय नहीं है, पानी में नाला में चला गया तो आपको गलेगा नहीं, जाम लगल है तो लगल है बहुत तरह। सबसे बड़ा है कि इसमें कैंसर का केस बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो पेपर प्लेट का मार्केट है उसमें लगभग 80% कब्जा थर्मोकोल का था, थर्मोकोल का था 80% कब्जा थर्मोकोल का था, अभी तो समझिए 100% पेपर प्लेट का है, अच्छा अच्छा कंपनीज में घुसने लगा है। तो उसके बंद होने के बाद सारा कुछ इसी का मार्केट है अभी, टोटल चीज़ इसमें एक मार्केट है सारा चीज़। जहीं भी जाइए आपको, आप कहीं भी आप सर्वे कर लीजिए, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं तो पहले एक बार तो अपने सर्वे कर लेके मेरे मार्केट में क्या चल रहा है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, एक बार हमसे संपर्क करें, जहाँ दिक्कत हो रही है हमसे पूछेंगे सभी बताएंगे आपको, हम पहले सर्वे कर लें, इसका ही डिमांड, दूसरा तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, पेपर पेड का ही डिमांड है। अभी क्या होता है मनीष जी कि
बेचने वाले मशीन बहुत है मार्केट में, लेकिन लोगों को समस्या ये आती है कि मशीन लेने के बाद मशीन बेचना बड़ी बात नहीं था सर। मशीन बेचना, उसका पार्ट पार्ट हमारी फैक्ट्री में देखिएगा, हमेशा कुछ भी उसका पार्ट्स पुर्जा की जरूरत पड़ेगा, एनी टाइम मिले, 2400 घंटा मिलेगा सर आपको। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पार्ट्स कितना इनके पास अवेलेबल, पूरा बल्क में रखा हुआ रहता है। ये नहीं कि मैंने भैया पैनल खराब हो गया तो पार्ट्स नहीं है, पैनल नहीं है, आप मेरे यहाँ से पैनल ले जाइए, अपना काम जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ मान लीजिए कि वारंटी के बाद भी अगर आपका सामान खराब हो जाता है तो आप उसको मेरे यहाँ से ले जाइए, यूज कीजिए, जब तक बन जाएगा आपका चलाइए काम, आपका काम बंद नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक समस्या लोगों को और आती है कि मशीन तो वो ले लेते हैं कहीं से भी, लेकिन रॉ मटेरियल उनको टाइम से नहीं मिलता। टोटल रॉ मटेरियल एक तो अभी एक और मशीन लगाने जा रहे हैं, बड़ा वाला मशीन अभी जस्ट अभी इसमें कि ये 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। अभी तो चलता है मेटल वाला, छोटी मशीन चलाते हैं सारी चीज़ें। ये जो मशीन लगे हैं, बड़ी मशीन लगाए हुए हैं, ये आपको 8 घंटा में 3 से 4 टन माल निकालेगा जी। हाँ, खुद के लोगों के लिए कथी के लिए मशीन तो देखिए मेन होता है मेटेरियल में। बहुत सारे लोग मशीन लोग लेने के लोग लेते हैं तो हम लोग को बोलते हैं कि भैया आपके यहाँ से मशीन लेते हैं मेटेरियल ज़्यादा महंगा बताते हैं। जो मेटेरियल का एक्चुअल प्राइस है वही हम बताते हैं, क्योंकि मेटल खुद हम बनाते हैं। बहुत जगह लोग मशीन के लिए बताते हैं कि भैया यहाँ तो हमको फलनवा जगह हमको यहीं इतना ही मिल रहा है, 50 रुपये मिल रहा है, 55 रुपये मिल रहा है, 60 रुपये मिल रहा है। तो होता है क्या ना कि लोग मशीन बेचने के चक्कर में मेटल का रेट डाउन करके मशीन देते हैं लोग जी, फर्स्ट टाइम ही, लेकिन उसके बाद बढ़ा देते हैं। उसके बाद आपको देंगे नहीं, हमसे कोई जरूरत नहीं, आप मशीन मत लीजिए, मेटेरियल हमसे लीजिए, हमसे जो लीजिएगा वही लीजिए भैया, पार्ट पूजा डाई मेडिसिन मेटेरियल जो लेना वो लीजिए हमसे, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं। जो लोग बिजनेस में इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि उनको मेटेरियल सही से नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है बिल्कुल, एक्चुअली होता है क्या ना, मशीन बहुत सारे लोग दूर से ले जाते हैं, कहीं से ले जाते हैं, स्टार्टिंग में लोग देते हैं, उसके बाद उनको गाइडलाइंस नहीं मिल पाता है कहाँ से कैसे लेना है, क्या कितना सस्ता पड़ेगा, कितना पैकेजिंग करके बेचना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सब भी नहीं होता, दो लोगों से कैसे बात करना है। तो बहुत तरह के लोग होते हैं। अब देखिए एक्चुअली होता है क्या ना, हम लोग सब चीज़ सपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें, मेरा मानना है और कि किसी के ऊपर कोई विश्वास हो मेरे पैसा लगा रहा है तो उसको हद तक सपोर्ट कीजिए ताकि उसके ही माध्यम से मेरा और मशीन जाए जी। तो एक्चुअली मेरे साथ होता है तो ये जो मटेरियल बनता है सारा कुछ तैयार होता है, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम मटेरियल बनाने का काम शुरू करें। हाँ, मेरे तो उसके लिए मशीन आप अवेलेबल करवा, मशीन देखे होंगे फैक्ट्री में थे गोदाम में, मेरा फैक्ट्री भी 4 मशीन बनाए थे लेमिनेशन का, 3 एक मशीन पड़ा हुआ है, एक तो बड़ा वाला तब खुद के लिए चलाएंगे। तो अभी मेरे पास से मशीन भी देंगे, क्राफ्ट पेपर देंगे, फिल्म देंगे, गोंद देंगे, सब चीज़ देंगे, यहाँ तक कि अगर किसी को अगर चाहिए कस्टमर तो कस्टमर ही बेचने के लिए देंगे हम उसको। तो आप अगर मटेरियल बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सारा कुछ मटेरियल भी मिलेगा, उसके लिए जो पेपर आता है, गोंद आता है, मशीन आती है, उसके साथ साथ कस्टमर भी प्रोवाइड करके ये देंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कम से कम कितना लगेगा? मटेरियल वाले अगर किसी को काम करना चाहते हैं खुद के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो खुद के लिए ले जाते हैं, अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो अपना 2-4 मशीन लगाए हुए हैं, खुद के लिए लोग मशीन ले जाते हैं और कोई लोग बेचने के लिए जाते हैं। तो अगर मटेरियल में मशीन मोटा मोटी मेरे पास 1.5 लाख का है, 1.5 लाख। हाँ, मैं वो आपको सस्ती मशीन, इससे सस्ती भी आती लोग वो मशीनें देते, आपके पास जाने के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। 1.5 लाख की मशीन मेरे पास है, इसके बाद बड़ी मशीनें हैं, 4 लाख का है, 5 लाख का है, 6 लाख की मशीन आती है। तो 1.5 लाख के छोटा अगर मशीन लगाते हैं अच्छा में ठीक ठाक में, जिसमें कैपेसिटी है मोटा मोटी 1.5 टन निकल जाएगा आपको 10 घंटा में, 1.5 लाख की मशीन है। बाकी आपको इसके अलावा कम से कम 2 लाख रुपया मटेरियल लगाना, मटेरियल के लिए मिनिमम बता रहे हैं 1.5 लाख रुपये आपको रखना पड़ेगा, इससे कम नहीं, लगभग 3 से 4.5 से 4 लाख रुपए लगा कर 4 लाख का बजट आपका है, 4 लाख लगा करके अपना वो बिजनेस के लेमिनेशन का मशीन चालू कर सकते हैं, लेमिनेशन में भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। एक बार हम अगले वीडियो में आपको स्पेशल लेमिनेशन के बारे में बताएंगे, अगली बार हम आएंगे तो लेमिनेशन के मशीन का वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा डिटेल उसमें हम बताएंगे, पूरा 1 बाय 1 करके बताएंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने होंगे 4-5 लाख रुपया करने वाले लोग होंगे तो उनको एकदम आराम से मोटा मोटी इस लाइन में मिनिमम 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते तो 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, बस 5000 रुपये जमा करके आप मशीन मंगवा सकते हैं। चलिए, और भी आपके मन में कोई सवाल हो तो डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए आइडिया किसी नए रोज़गार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।